तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो GB WhatsApp है वो मतलब आप अगर GB WhatsApp यूज करते थे तो आप जानते हैं कि अगर आप नंबर अब डालेंगे GB WhatsApp पे तो आपका नंबर बैन कर दिया जाएगा। तो दूसरी बात ये, अगर GB WhatsApp आप यूज करते हैं तो GB WhatsApp में जितनी भी आपकी चैट है, अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका डाटा सिक्योर नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। जो भी GB WhatsApp यूज करते हैं, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कि उसको डिलीट कर दे GB WhatsApp को। लेकिन अगर आप GB WhatsApp के जो फीचर है, जो कि काफी कमाल का फीचर है लास्ट सीन फ्रीज करने का, बहुत से लोग GB WhatsApp को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लास्ट सीन उसमें फ्रीज हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन भी हैं तो अगले बंदे को नहीं पता चलेगा, किसी भी इंसान को नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह आप वो फीचर आप अपनी ओरिजिनल WhatsApp में चला सकते हैं। उसको चलाने के लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में जाने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाना है, उसके बाद आपने प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी में जाने के बाद आपने लास्ट सीन नो बॉडी कर देना है। लास्ट सीन नो बॉडी करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने रीड रिसीट का आपको एक ऑप्शन मिलता है इधर, आपने उसको कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उधर से आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे आपसे ये परमिशन मांगेगी, आपने इस एप्लीकेशन को दे देनी है परमिशन। परमिशन देने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको ये एक नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस एप्लीकेशन को सर्च करके आपने इधर से फिर परमिशन दे देनी है। जैसे ही आप परमिशन देंगे उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब जो भी SMS, जो भी कोई SMS आपको WhatsApp पे करेगा, आपको वो SMS इधर चैट में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को चैट करना चाहिए किसी से तो इधर से चैट कर भी सकते हैं। तो अगर आप इधर से ऑनलाइन रहकर आप जिस मर्जी से चैट करें, आपका जो स्टेटस है, आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो किसी को भी शो नहीं होगा, आप इजीली किसी से भी चैट कर सकेंगे। तो इस एप्लीकेशन के अंदर रहकर आप इधर चैट कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस शो नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन भी हैं, आपको जो रिप्लाई करना है, जो मैसेज करना है, इस एप्लीकेशन के अंदर रहकर करना है, आपने व्हाट्सएप में नहीं जाना। तो इस फीचर को आप GB व्हाट्सएप के फीचर को आप ओरिजिनल व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल के आइकन को लाजमी दबाना, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।